ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ UAE ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ UAE ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ दुकान खोल के समान बेचने से एक व्यक्ति खिलाफ परचा दर्ज किया गया। थाना मुखी सिमरनजीत कौर ने दसाया कि पुलिस ने मुख खबर खास ने सूचना दी कि पिंड सीढ़ा रोड से भंडारी होजरी को एक व्यक्ति नाइट कर्फ्यू दौरान दुकान खोल के समान बेच रहा है, जिससे थाना मुखी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर थानेदार हरजीत सिंह की पुलिस टीम को भेजा। इतने आनंद चौहान पुत्र राजा राम वासी हरकिशन विहार नाइट कर्फ्यू दौरान अपनी दुकान खोल के बैठा होया संगाका समान बेच रहा है, जिस तो बाद पुलिस टीम ने उक्त दुकानदार को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया गया। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हस्पताल आक्सीजन की कमी नाल 20 मरीजों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अजिहे दिल्ली च एक होर दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हस्पताल 20 गंभीर मरीजों की मौत हो गई है। हस्पताल के MD DK बलूजा ने जानकारी दी कि आक्सीजन की कमी नाल गोल्डन हस्पताल 20 मरीजों की मौत हो गई है। शुक्रवार शाम को इन मरीजों ने आक्सीजन की कमी कारण दम तोड़ दिता है। DK बलूजा ने जानकारी दी कि अद्धे घंटे तक ही आक्सीजन की सप्लाई हो सकती है। हस्पताल 200 मरीजों की जान खतरे में है।